गाइस वेदर जो है ना अभी बहुत ज्यादा बढ़िया लग रहा है। तो हे गाइस कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है ताश कबाचन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस अभी टाइम हो रहा है 2 बजे रात के, एंड पता नहीं मैं इतना लाउडली क्यों बोल रहा हूँ। मेरे मॉम डैड दोनों सो रहे हैं, चप्पल पड़ेगी खींच खींच के। एंड मैंने सीरियसली इस हफ्ता कुछ किया ही नहीं यार, मैं व्लॉग क्या करता। तो मैंने सोचा अभी मैं रैंडम व्लॉग ही बना लूँ कल का, क्योंकि कल छुट्टी है, कल स्कूल से भी छुट्टी है। एंड बाय द वे मेरा ऑनलाइन स्कूल स्टार्ट हो गया है, इफ आई डिडंट टेल यू गाइस। पीछे की मैस के लिए सॉरी, मेरा अभी सोने का टाइम है, मैंने पूरा इधर उधर चार्जर वायर्स वगैरह सब कुछ फेंक दी है। नींद भी आ रही है थोड़ी बहुत, बट आई सीरियसली डोंट नो कि अभी मुझे करना क्या है। एंड अभी आपने जैसे देखा, आई गॉट सम राजमा राइस, सम अनियंस एंड सम चटनी। सो आई थिंक आई एम जस्ट गोना ईट दिस एंड देन आई थिंक आई मीट यू गाइस। तो गाइस मैं अभी अभी खाना खा के किचन में आया। मैंने देखा किचन एक्चुअली मैंने जो खाना वाना लिया थोड़ी बहुत मैस बना दिया, तो अभी मैं उसको साफ करता हूँ, फिर देखता हूँ। मुझे थोड़ी बहुत नींद भी आ रही है, सो आई थिंक मैं अभी सोऊंगा, बाकी आगे की आगे देखते हैं। गाइस मिडनाइट खाने के बाद एक छोटा सा लाइट स्वीट स्नैक मजा आ जाते हैं। ये बिस्किट्स अगर आप सोच रहे हो, उनका नाम है पामियर, आप देख सकते हैं एकदम पैटी जैसी पेस्ट्री है एंड काफी ज्यादा टेस्टी है एंड लाइट स्वीट है, बिस्किट जैसा है। तो गाइस अभी अराउंड 2:30 हो गए हैं आई गेस, एंड मुझे भी अभी काफी ज्यादा नींद आ रही है। सो आई थिंक मैं भी अभी सोऊंगा एंड आई विल मीट यू गाइस इन द मॉर्निंग देन। तो कल मिलते हैं। तो हे गाइस अभी सुबह हो चुकी है एंड सुबह उठते ही मेरे साथ एक चीज हुई, मतलब एक चीज नहीं हुई, मतलब कुछ हुआ। अभी मेरा ब्रेकफास्ट का टाइम हो चुका है, आप देख सकते हैं मेरे पास एक सैंडविच आ चुका है जिससे चीज बह रहा है। गाइस सोचो सुबह उठो और आपको ऐसा सैंडविच मिले, बस पूरा दिन ही बन जाएगा। अब मैं इसको खाता हूँ और आपको पूरा रिव्यू देता हूँ। गाइस इस पे इतना सारा चीज है कि आप देखो, अगर मैं इसको खोलूंगा, बस मैं सैंडविच का मजा नहीं खराब करना चाहता, बट बहुत बढ़िया है। तो गाइस अभी मैं वापस इन द कमरे में आ चुका हूँ एंड मेरे पास है ये सैंडविच विद सम बफलो सॉस। सो अब इसकी टेस्टिंग करते हैं। आउट ऑफ दिस वर्ल्ड गाइस, ऐसा खाना खाना है। फिर से बोल रहा हूँ, वाई नॉट वेजिटेरियन, लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, जाओ जाके देखो, सीखो फिर बना के खाओ। गाइस जो देखो, तो गाइस कल ना मैं वॉलमार्ट गया था एंड मुझे वहां पे काफी ज्यादा अलग से बिस्किट्स दिखे। मतलब नॉर्मल ओरियोस तो आप सबने खाए ही होंगे, चॉकलेट वनीला स्ट्रॉबेरी वो सब तो हर जगह मिलते हैं, बट ये जो मैं ओरियोस लाया हूँ ये बेसिकली US और ओलंपिक्स का कोई टाइप हुआ है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। एंड एक ट्राई कलर ओरियो है जिसमें US के फ्लैग के कलर्स है। तो ये चीज़ मुझे कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी है, मैंने बोला कि यार इसको खाना तो चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसको खोलने का भी एक अलग सा तरीका है। बेसिकली ये लिमिटेड एडिशन ओरियोज है इफ यू से, एंड यहाँ पे इसको खोलने का एक लिफ्ट का तरीका है। सो इसकी अनपैकेजिंग करते हैं फिर इसको खाते हैं। तो गाइस जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिफ्ट लिखा हुआ है, तो इसको लिफ्ट करके देखते हैं, एक्चुअली में देखते हैं इसको, गाइस कुछ ज़्यादा ही सेटिस्फाइंग है। खुल जाओ ये, इसको हल्का से ही खोलते हैं एंड एक कुकी निकाल लेते हैं। तो गाइस इसकी अनबॉक्सिंग तो खराब हो गई, इसको छोड़ो। तो गाइस ये है ट्राई कलर ओरियो जिसमें रेड क्रीम, वाइट क्रीम एंड ऊपर हल्की सी ब्लू लेयर भी है क्रीम की। मैं आपको खा के बताता हूँ। तो गाइस जैसा कि मैंने आपको दिखाया ही था, ये US और ओलंपिक्स का एक टाई अप हुआ है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं US का फ्लैग बना हुआ है ओलंपिक्स
एंड यहाँ पे हमारा नॉर्मल ओरियो साइन, इसको खाते हैं पहले। गाइस वही टेस्ट है, परफेक्ट। बट हल्का सा रेड कलर का, बेसिकली रेड कलर का जैसे चेरी होता है उसकी हल्की सी चेरी टाइप्स स्वीटनेस आ रही है। ब्लू कलर का आई थिंक ब्लूबेरी है, बाकी मुझे पता नहीं, बट वही चॉकलेटी टेस्ट आ रहा है। एंड यहाँ पे बीच में हल्की सी चॉकलेट ने फिल कर रखी है। गाइस दिस इज सो फार द बेस्ट ओरियो आई हैव एवर ईटन। एंड गाइस मैंने अभी नोटिस किया इसमें एक ही डिज़ाइन नहीं है, इसमें दो तरीके के डिज़ाइन है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है टीम USA एंड एक अच्छा सा डिज़ाइन सा बना हुआ है। आई मीन आई डोंट थिंक टेस्ट में कोई कमी है, बट डिज़ाइनिंग काफ़ी अच्छी की है इन लोगों ने। सो गाइस मेरा एक दोस्त है आर्यन मिश्रा, आर्यन इफ यू वॉचिंग दिस हैप्पी बर्थडे। अभी फिलहाल के लिए मैं उसी के साथ जूम कॉल पे हूँ एंड हमारे बाकी सारा पूरा गैंग ऑफ फ्रेंड्स है। तो गाइस अगर आप आर्यन को हैप्पी बर्थडे विश करना चाहते हो, एम करते हैं 45 लाइक्स। अगर 45 लाइक्स हो जाते हैं तो सब लोग मिल के आर्यन को पीटेंगे। गाइस 45 लाइक्स चाहिए, कम ऑन लेट्स गो। तो गाइस ये है मेरा दोस्त आर्यन मिश्रा, इसका बर्थडे है। कमेंट में स्पैम करो 50 लाइक्स पे इसको लो, सब लोग पीटेंगे यहाँ पे जो भी है। Yes, good luck doing that. 50 लाइक चाहिए, 50 लाइक, लेट्स गो। तो गाइस अभी टाइम हो रहा है 6:33 एंड मैंने पूरा दिन सच्ची कुछ किया ही नहीं। मैंने सुबह सुबह उठ के वो सैंडविच खाया, चीज वगैरह मैंने आपको दिखाया, और मैंने अपना ऑनलाइन स्कूल का थोड़ा बहुत काम खत्म किया, गेम्स खेली मैंने कई सारी, एंड मेरे फ्रेंड का जैसे मैंने आपको दिखाया था आर्यन, उसका बर्थडे था, मैंने हमने उसको जूम कॉल पे विश किया। एंड अभी न्यूज़पेपर पढ़ा जा रहा है, ट्रंप विजिट स्टॉर्म डैमेज स्टेट्स। चलो कुछ तो दंगा करेगा ट्रंप। बाकी गाइस वही सेम ओल्ड, मैंने कुछ किया ही नहीं आज, बोरिंग सा डे था। एंड मैं आपको यही प्लेन चीज़ें दिखा के बोर नहीं करना चाहता, तो आई थिंक मैं आपको कल अगर कुछ करूँगा तो कल की फुटेज दिखाऊँगा इंटरेस्टिंग। बाकी बात की बात में देखते हैं, तो थोड़ी देर में मिलते हैं आप लोगों से। तो गाइस अभी टाइम हो रहा है 7:30 एंड मेरे बालों को माइंड मत करना यार, मैं सो गया था। एंड अभी मेरी मॉम ने बोला कि घर पे दूध ख़त्म है, तो मैं अभी दूध लेने ग्रोसरी स्टोर जा रहा हूँ। मेरे घर से 5-10 मिनट्स वॉकिंग डिस्टेंस है एंड अभी मैं वहाँ पर जा रहा हूँ दूध लेने। तो गाइस ये मैंने अभी नोटिस किया, आप ऊपर वेदर देखो, जो भी वेदर है ना, बस अभी विंटर स्टार्ट ही हो गई गाइस, अभी 10-15 दिन और में बस, फिर यहाँ तो -30 -40 ऐसे पहुँचता है जैसे कुछ है ही नहीं। तो गाइस मैं ग्रोसरी से और पहुँच चुका हूँ, ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे। एंड हाँ बस अभी दूध लेते हैं। गाइस मैं अपना सामान ले चुका हूँ, अभी इसकी बिलिंग कराते हैं फिर निकलते हैं यहाँ से। एंड मैं आपको ज़्यादा इधर उधर नहीं दिखा सकता क्योंकि यहाँ पे शायद फिल्मिंग मना है, बाकी मुझे पता नहीं, बाकी बात की बात में देखते हैं। तो गाइस मैंने सामान ले लिया, जैसा कि आप देख सकते हैं ट्राईपॉड पकड़ने के मेरे पास इतनी कैपेसिटी नहीं थी, तो मैंने ट्राईपॉड भी इसी बॉक्स में डाल दिया। कैमरा पकड़ना और इसको एक हाथ से पकड़ना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, तो बाकी ब्लॉग मैं घर जाके कंटिन्यू करता हूँ। तो गाइस मैं सक्सेसफुली घर पहुंच चुका हूं, इतना सारा लोड लेके, 2 gallons ऑफ मिल्क, इतने बड़ा चिप्स का पैकेट एंड अ ट्राईपॉड। गाइस अगर इतना वेट मैं रोज उठाऊं ना फॉर 1-2 weeks, ऐसे बाइसेप्स बनेंगे मेरे जैसे। तो गाइस मैं आ चुका हूं वापस घर एंड मुझे ना एक हल्की सी बड़ी तेज पेट में ना अजीब सी फीलिंग आ रही थी, मैंने बोला भाई ये क्या हो रहा है। फिर मुझे एक्चुअली में थोड़ा बहुत पढ़ाई वढ़ाई करके पता चला कि मुझे भूख लगी है, एंड भूख जब लगती है तो उसका बेस्ट क्या होता है, बेस्ट भूख मिटाने का तरीका क्या होता है, कुछ खाना। एंड 2 मिनट में बनने वाले नूडल्स से बेटर क्या। गाइस ये जो आप देख रहे हैं ये है कोरियन अमेरिकन, कोरियन है क्या पता नहीं, चाइनीज है क्या पता नहीं, जापनीज है, बट ये प्रॉपर रियल वाई वाई है जो कि उसी कंट्री से एक्सपोर्ट हो गए हैं। हाँ मैं जानता हूँ उस पर अंडे वंडे बने हैं, बट ये वेजिटेरियन ही है। एंड आज मैं इसको ट्राई करने वाला हूँ, तो आप लोग मेरे साथ ही ट्राई करना, मतलब वर्चुअली, असली में तो आप लोग खा नहीं सकते, सैड लाइफ। तो गाइस
ये वाई वाई का पैकेट मैं निकाल रहा हूँ, मैंने गलत बोल दिया था, एक्चुअली कोरियन नहीं है, थाई वाई वाई है एंड वाई वाई थाईलैंड की ही है। सो अब इसको पकाते हैं। वी हैव द रेगुलर इंग्रेडिएंट्स, वी हैव द अनियन ऑयल एज यू कैन सी, वी हैव द रेगुलर वाई वाई मसाला एंड विद सम चिली पाउडर एंड वी हैव द ऑथेंटिक फ्राइड वाई वाई नूडल्स, एंड ये फ्राइड होते हैं ताकि आप इनको कच्चा भी खा सकते हो। तो वी जस्ट गोइंग टू टेक सम वाटर, मिक्स द मसालाज इन इट एंड वी जस्ट गोइंग टू पुट द नूडल्स इन। एंड आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि मैं नूडल्स को तोड़ता नहीं हूँ। एक्चुअली जब मैं नूडल्स को तोड़ता हूँ तो नूडल्स मुझे उतना अच्छा टेस्ट ही देते हैं, एंड जब उसको मैं क्रश कर देता हूँ तो इतना मतलब मुझे अच्छा टेस्ट नहीं आता। आई मीन साइकोलॉजिकल भी हो सकता है, बट फिर भी। एंड वाई वाई तैयार हो चुके हैं गाइस, अब आ चुका है टाइम टेस्टिंग का। Hashtag why not non-vegetarian. Guys, मैं मजाक कर रहा था, मैं वेजिटेरियन। तो गाइज मैंने भी मैगी खा ली है एंड सच्ची बात बताऊं तो आज ज्यादा टायरिंग डे नहीं था, बट मुझे लेटने का मन कर रहा है एंड मैं लेटूंगा, थोड़ी बहुत गेम्स वेम्स खेलूंगा एंड अभी 10-11 बज गए हैं, मैं सो जाऊंगा एंड कल स्कूल भी है। एंड अब मैं स्कूल में क्या करूंगा मैं आपको वो नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगा। तो बस गाइस आज के लिए इतना रखते हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को रिंग कर देना। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।